गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से लाइव आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन करिए। टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट। जल्दी से आइए लाइव। हेलो एवरीवन, हेलो सानिया, वेलकम हियर बेटा। वेलकम हेयर, जल्दी से आप सब लाइव आ जाइए। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। अन अकेडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। वेलकम हेयर एवरीवन, दिस चैनल इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी। आप सबको पता है यहाँ पे मंडे टू संडे लाइव क्लासेस चलती हैं, फुल प्रिपरेशन आपकी कराई जा रही है। मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी लाइव क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। यानी दिस चैनल इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम पीसीबी एंड पीसीएम ग्रुप। ठीक है, आप सबको पता है ये पीसीबी के लिए भी ये चैनल बहुत यूजफुल है, पीसीएम के लिए भी चैनल ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सको। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और मुझे 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरी कोर ब्रांच बॉटनी है और मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। फाइन, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। ओके, यहाँ मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। तो बायो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। बच्चों, अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी क्रैक करना है तो आपको इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, जो है अन अकेडमी। आप सबको पता है अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक प्रॉपर वे होता है, जो सिस्टमैटिक तरीका होता है पढ़ाई का, वो आपको यही प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। क्योंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, सो यू विल गेट एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। हो, कोई बात नहीं शिवी, कोई बात नहीं, टेक केयर। कोई बात नहीं शिवी, यू प्लीज टेक केयर, ध्यान रखो। ठीक है, टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, टेक प्रिकॉशन, यूज मास्क एंड सैनिटाइजर, एवरीथिंग। ठीक है, बिकॉज यू आर इन हॉस्पिटल। ठीक है शिवी, टेक फुल प्रिकॉशन। एंड बच्चों, अगर आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड की है तो जल्दी से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपकी लाइव क्लासेस और जितनी भी प्लस क्लासेस और जितने भी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे ही चलती हैं। तो आपको लर्निंग ऐप तो डाउनलोड करनी पड़ेगी, वरना आप प्लस क्लासेस नहीं देख सकते हो, आप स्पेशल क्लासेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, दिस इज योर पैकेज, यू कैन सी हियर 15% बढ़ेगा। बार बार बताती हूँ मैं, 1 month, 3 month, 6 month, 12 and 24 month का है। अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन यू कैन आस्क, यूज दिस कोड एस्कॉर, यू विल गेट 10% ऑफ। ठीक है, फाइन मनोज, थिंक अबाउट इट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, थिंक अबाउट इट, टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months, दिस विल बी बेनिफिट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, एल्स योर विश।
सो टुडेज द टॉपिक इज क्रोमोसोम एंड इट्स स्ट्रक्चर, राइट? आज का टॉपिक है क्रोमोसोम एंड इट्स स्ट्रक्चर. आर यू रेडी फॉर दिस टॉपिक एवरीवन? क्या आप तैयार हैं क्रोमोसोम पढ़ने के लिए? जल्दी से बताइए. आपको पता है क्रोमोसोम क्या है? यस, एवरीवन इज रेडी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ऐसा हो सकता है बच्चों कि आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में पता है और मैं जब बताऊं तो आपको बहुत कुछ और पता चल जाए. ठीक है, आपको आज बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी, क्योंकि जब हम क्रोमोसोम के टाइप पढ़ते हैं तो हम टाइप जब कोई ऑप्शन आता है तो हम एक्चुअली नहीं बता पाते हैं कि क्या आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना क्रोमोसोम पढ़ाया जाए. ठीक है, चलो शिवी स्टार्ट करते हैं. एंड शिवी तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? सो हेयर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं क्या. ठीक है बच्चों, आप सबको पता है क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है. ये एक नंबर का तो प्रश्न यही है. कभी कभी क्या होता है, मनोज आर यू देयर बेटा, तुम हो? मनुष्य क्या तुम साथ में हो? जल्दी से बताओ. देखो बच्चों, जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली ये एक कलर्ड बॉडी है. ठीक है, क्योंकि ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होता है. बेसिकली होता क्या है, बच्चा सोचता है क्रोमोसोम एक स्पाइरल बॉडी है. नहीं, क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है. ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, आप सबको पता है क्रोमोसोम कब दिखता है. हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर है. क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम में बदलते हैं. वी नो दिस थिंग. ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ों को समझो. क्रोमोसोम जो है, सबसे पहला पॉइंट चाहो तो लिख लो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? अगर आपसे कोई लोकेशन पूछता है तो यू शुड नो कि क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. करता क्या है, विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वी नो दिस थिंग. एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिविजन, हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर, रीजनरेशन. काफ़ी जगह ये काम करता है. अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, यानी मल्टी सेलुलर, तो यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, डैट इज क्रोमोसोम, विच इज मेड अप ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज डीएनए मॉलिक्यूल विथ हिस्टोन प्रोटीन सपोर्टिंग इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है, सो डैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका मतलब क्या है इस शब्द का, तो आपके मुंह में तुरंत ये रिप्लाई होना चाहिए, दे आर कलर्ड बॉडी. ठीक है, ठीक है. और अगर आपसे कोई पूछता है डिस्कवरी, क्रोमोसोम किसने सबसे पहले क्रोमोसोम किसने देखा था, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? गुड गुड आफ्टरनून ऋतिक, गुड आफ्टरनून. एनी आइडिया क्रोमोसोम किसने देखा था? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में डिस्कवर किया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना? आप लोगों ने दो तीन नाम सुने होंगे, फ्लेमिंग का भी नाम सुना होगा. फ्लेमिंग ने भी देखा था सेलेमेंडर पे. ठीक है, आपको ये भी पता है कि अगर हम बात करेंगे हैप्लोइड सेल की, तो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हाफ होते हैं स्पर्म्स और एग में, है ना? द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन गेमीट्स लाइक स्पर्म एंड ओवा इज हाफ ऑफ द सोमैटिक सेल इज नोन एज हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम विच इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, है ना? एंड माइटोटिक में क्या है, दे विल बी प्रिजर्व्ड. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सब में बदलते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है, क्लियर है इतनी चीजें?
एनी डाउट? जल्दी से पूछ लो अगर कोई डाउट हो। सानिया, ऋतिक, सुमैया, एनी डाउट? ठीक है। सो वॉल्डेयर थे जिन्होंने कॉइंड किया था टर्म क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम इन 1888, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमैटिक सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिप्लॉइड, ठीक है। एंड गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज हाफ ऑफ द सोमैटिक क्रोमोसोम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड। अभी बताया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोमैटिक क्रोमोसोम, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोसिस, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैमेटिक क्रोमोसोम, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मियोसिस। तो हमें पता है कि जो हमारा माइटोसिस होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, लेकिन जो हमारा मियोसिस रहेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है। सो टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम आर ऑर्डिनली आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर, दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि हमने ये भी सुना है क्रोमोसोम एक जैसे जो दिखते हैं तो वो कैसे होते हैं, होमोलोगस, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये हमने आपको बताया भी था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हम सबको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन बॉडी में, जिसमें 22 कैसे हैं, 22 है ऑटोसोम, ठीक है, 22 ऑटोसोम है और 1 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। वन क्या होगा, जो बचा हुआ वन है, डैट विल बी योर सेक्स क्रोमोसोम। ये कैटेगरी आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम जो है वो दो में डिवाइडेड है, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ऑटोसोम्स दैट कंट्रोल कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड सुमैया। सो 22 विल बी देयर इन ऑटोसोम, 1 विल बी देयर इन सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो 1 है, ये वन क्या हो सकता है, इट कैन बी एक्स एक्स, ये एक्स एक्स भी हो सकता है, इट कैन बी एक्स वाई, समझ में आया। जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसा हो सकता है, वो एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है, यस सुमैया। और आप सबको पता है कि बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक्स और वाई दो यही हैं, इसको हम हेट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम जो होता है डैट इज प्रेजेंट इन फीमेल, एक्स वाई जो होता है डैट इज देयर इन मेल, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी आइडेंटिफिकेशन आ जाता है एक्स 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 वाई का, तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्स जो है डैट विल बी योर फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स वाई डैट विल बी योर मेल क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स दो में क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम लिखा है, कभी कभी आ जाता है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, एनी डाउट? यस, वेरी गुड सुमैया, एनी डाउट पूछ लो, किसी भी तरीके का डाउट हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी डाउट? सानिया बेटा, एनी डाउट टिल हियर, एनी डाउट? ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम, एनी डाउट? सो क्रोमोसोम नंबर, हाँ यस सुमैया, दिस इज द न्यू टर्म एंड दिस वन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो न्यू टर्म, हेट्रोजोम, जो ये एक्स वाई होते हैं ना, दे आर हेट्रोजोम, क्योंकि वो तो होमो हो गए एक्स एक्स, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, हमें पता है क्रोमोसोम नंबर भी डिफरेंट है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, हमें पता है डिप्लॉइड क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 होमोलोगस कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। बेसिकली डिप्लॉइड जो है वो सोमैटिक सेल में होगा, ठीक है ऋतिक, माइटोसिस में, और हैप्लॉइड मियोसिस में होगा, क्योंकि ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि सपोज अगर मैं बात करती हूँ स्पर्म और ओवा की, तो स्पर्म विल गिव 23 क्रोमोसोम, ओवा विल गिव 23 क्रोमोसोम,
जो जाइगोट को मिलेगा वो 46 मिलेगा, ठीक है। यानी स्पर्म के पास 23 पेयर्स होते हैं, बट वो पेयर्स में से सिर्फ 23 देगा, हैप्लोइड दे रहा है, ठीक है, हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, बट 23 23 विल कंबाइन एंड इट विल फॉर्म 46, ठीक है। सो क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है, अभी बताया मैंने, हर स्पीशीज का अपना अलग अलग होता है, ठीक है, एंड ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो अब देखा, आपको ये भी बताऊंगी किसमें कौन कौन सा क्रोमोसोम नंबर होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कभी कभी वो भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फाइन। आई थिंक इतना क्लियर होगा। एक टर्म होता है आपने सुना होगा कैरियोटाइप, कैरियोटाइप आपने सुना होगा, कैरियोटाइप जिसमें ये कहते हैं जो टेक्निक होती है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हम जो एक जैसे दिखते हैं उनको एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो अलग होते हैं जैसे एक्स वाई वो अलग प्रेजेंट करते हैं। इससे इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है इस टेक्निक से कि अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज कोई होती हैं तो वो पता चल जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो नाउ सो हेयर द नेक्स्ट टर्म दैट इज योर साइज की बात करते हैं। तो यस, साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज नॉर्मली मेजर्ड एट माइटोटिक मेटाफेज एंड मे बी एज शॉर्ट इतना इन फंजाई बर्ड्स एंड इतना, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है, बट क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जब हम ध्यान देंगे तो हमें पता है क्रोमोसोम में आर्म्स होती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती है ना, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, ठीक है, आर्म्स बोलते हैं, यानी टू आर्म्स होती हैं जिसको हम पी और क्यू बोलते हैं। जो छोटी होती है उनको जनरली हम पी बोलते हैं, जो बड़ी होती हैं उनको हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हमें सबसे अच्छे क्रोमोसोम की स्टडी कहाँ मिल सकती है, वी कैन ऑब्जर्व इन मेटाफेज, ठीक है, प्राइमरी। अब कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो अब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले बता देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है, बोथ द कॉपीज आर आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर, हेंस दे आर कॉल्ड होमोलोगस, एक जैसे हैं इसीलिए उनको होमो बोला जा रहा है, होमो का मतलब ही होता है सेम, ठीक है। वन होमोलोगस कम फ्रॉम द मदर एंड वन कम फ्रॉम द फादर, ठीक है। नाउ यू कैन सी, आई गेस ये दिख रहा होगा चार्ट, चार्ट दिख रहा है सबको, कलर की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हो तो रही है, नहीं दिख तो रहा है, ह्यूमन पी दिख रहा है आप लोगों को, सबके क्रोमोसोम नंबर दिख रहे हैं, देखिए दिस इज द डेटा वेयर यू कैन फाइंड आउट कि कितना कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, ह्यूमन में कितना है, मटर में कितना है, कैट, कैटल, डॉग, डोंकी, गोट, हालांकि सब आता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए, ठीक है, एक नज़र तो कभी ना कभी देखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर है, बेसिकली ह्यूमन जो है उसमें आप देख सकते हो 46 है, हमें अपना तो पता होना ही चाहिए। अरे दिख रहा है ऋतिक, उसको पिक्सल को बढ़ाओ बेटा, पिक्सल को पढ़ाओ बढ़ाओ, दिख जाएगा। हनी बी में देख लो, हनी बी में दो आपने यहाँ देखा ना, हनी बी में देखो 32 और 16 दो लिखे हुए हैं, ठीक है, क्यों लिखे हैं देखो, इन हनी बी फीमेल यानी जो हमको पता तीन उसकी कैटेगरी है, 32 क्रोमोसोम और मेल के पास 16 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा अलग है, हनी बी का थोड़ा सा अलग है। अरे दिख तो रहा है, मेरे में तो दिख रहा है, मेरे में तो दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक बार देखो ऋतिक, मेरे में दिख रहा है अच्छे से। क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो यस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा भी है सबने कि जो ईच सेल होती हैज़ अ पेयर ऑफ ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम, तो दैट विल बी योर होमोलोगस। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, विच कंटेन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA एंड एसोशिएटेड प्रोटीन, ठीक है, फाइन। क्रोमोसोम
क्या है, दे आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। एंड आपसे कोई पूछे क्रोमेटिन किसका बना है, तो क्रोमेटिन बना है डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। सो ईच क्रोमोजोम कंटेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, ठीक है, दैट कैन कोड फॉर सेवरल प्रोटीन इन द सेल, ठीक है। हम एक क्रोमोजोम को सबसे अच्छा तब देख सकते हैं जब सेल डिवीजन होती है ना, तो वी कैन सी, लाइक वी कैन से कि स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम कैन बी बेस्ट सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि उसी वक्त वो बनता है, क्रोमेटिन फाइबर विल चेंज इन टू क्रोमोजोम, ठीक है। तो अगर हम मेन पार्ट्स की बात करें तो क्रोमोजोम में बहुत सारे मेन पार्ट होते हैं, राइट। आपको पता है कौन कौन से पार्ट होते हैं क्रोमोजोम में, जल्दी से बताइए मेन पार्ट्स ऑफ क्रोमोजोम। सबको क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पता है, अब तो दिख रहा होगा ऋतिक, यस बताओ। एनी आइडिया क्या क्या चीजें होती हैं? अरे बहुत सारी चीजें होती हैं। मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिन है, सेंट्रोमियर है, याद आ रहा है? क्रोमेटिन, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टीलोमियर, सैटेलाइट, ये सब याद आया? चलो दिख रहा है, वेरी गुड। सुमैया याद आ रहा है बेटा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में तुम्हारा ये है कि अभी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार अभी भी बताया था और कई बार मैंने इसके क्वेश्चन भी कराए हैं कि दिस फेज इज बेस्ट या वी कैन से मोस्ट सुइटेबल स्टेज फॉर स्टडीज ऑन क्रोमोजोम। मनोज आर यू देयर बेटा, तुम हो? ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। क्रोमोजोम की जो मॉर्फोलॉजी है वो सेल डिवीजन के टाइम पे चेंज होती है, थिन होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं ड्यूरिंग द इंटरफेस, ठीक है। जैसे ही सेल एंटर करती है माइटोसिस में, क्रोमोजोम बिकम हाईली कंडेंस्ड, है ना, सो दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स। मेटाफेस की बात करें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं, है ना, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर कैन बी सीन अंडर। अब देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं, यानी यहाँ से हमें बहुत अच्छे से पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के बाद क्रोमोजोम में बदलेगा, ये जो क्रोमोजोम है ये सबसे अच्छा दिखता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब उसमें हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी फेसेस होते हैं, तो हम देखते हैं सबसे अच्छा पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए जो फेस है वो मेटाफेस है, जहाँ पे हम बहुत आराम से क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लाइक जब इंटरफेस से चलते हैं, इंटरफेस में क्रोमोसोम कुछ होता है, फिर धीमे धीमे जैसे वो माइटोसिस में एंटर करता है तो वो क्रोमोसोम क्या करता है, इट विल बिकम हाईली कंडेंस सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल, ठीक है। अब मेटाफेस में क्रोमोसोम देखिए, आप देखिए एक मॉर्फोलॉजी, ये थोड़ा सा ब्लर्ड डायग्राम है, आई नो थोड़ा सा ब्लर्ड है, बट चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, दिख तो रहा होगा। दिख रहा है हाँ या ना सानिया? दिख रहा है बेटा डायग्राम? थोड़ा सा ब्लर्ड है, नहीं दिख तो रहा है, 450 पे करना, दिखेगा, दिख रहा है। अब देखो इसमें वो सारे पार्ट दिखाए गए हैं जो अभी मैंने बताए कि एक क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्या क्या दिखता है क्रोमोसोम में। देखो सैटेलाइट दिख रही है, ठीक है, सैट जिसको बोलते हैं, आर्म दिख रहा है, सेंट्रोमियर दिख रहा है जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, टीलोमियर दिख रहा है, एंड दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड। हम बता रहे हैं सानिया, डायग्राम को एक्सप्लेन मैं कर ही दे रही हूँ ना, ये सैट है, ठीक है, ये आर्म है, ये आर्म्स हैं क्रोमोसोमल आर्म्स, दिस विल बी योर सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये टीलोमियर है, और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अभी ठीक है सानिया, इज इट ओके बेटा? फिर अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, इज इट क्लियर?
आई थिंक अब तो दिक्कत नहीं होगी, और मैं चलो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ साथ साथ ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को। देखो सेंट्रोमियर की बात करें, अगर इसकी बात करें ठीक है, तो सेंट्रोमियर क्या है आपको पता है, दिस इज द पॉइंट ठीक है वेयर द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंट ठीक है। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड ज्वाइन होंगे, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंट बाय द सेंट्रोमियर। इज इट क्लियर? पहला ये क्लियर हो गया, सेंट्रोमियर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आपको ये भी पता है कि सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है ठीक है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर एंड नंबर एंड पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर डिफर इन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये ध्यान देना ठीक है, डिफर करेगी, और सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है ठीक है। सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, यानी सेंट्रोमियर डिवाइड्स द क्रोमोसोम इंटू टू टू इक्वल आर्म्स ठीक है, नॉट इक्वल, टू पार्ट्स वी कैन से, शॉर्टर आर्म एंड द लॉन्गर। शॉर्टर इज नोन एज पी एंड लॉन्गर इज नोन एज क्यू ठीक है, ये ध्यान रखना, पी और क्यू का कॉन्सेप्ट याद रखना ठीक है। सेंट्रोमियर क्या करता है, अभी एक यहाँ पे इस वर्ल्ड गायब है। सेंट्रोमियर ऑल्सो कंटेन्स अ डिस्क शेप दैट इज कैनेटिको विच हैज़ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विद स्पेसिफिक प्रोटीन बाउंड टू इट ठीक है। सो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करते हैं, यानी ये वाली, दिस इज योर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ध्यान दो भी, मैं तुम लोग के डाउट देख लूंगी। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम सेंट्रोमियर एट एनाफेस ठीक है, बिकॉज देयर इज बेंडिंग ओनली एट द सेंट्रोमियर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है विच कंटेन जीन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोलाई ठीक है। तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इट कंटेन्स डीएनए जीन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोलाई ठीक है। फिर बात करते हैं टीलोमियर की, तो यस, टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम, द एंडिंग पोर्शन ऑफ द क्रोमोजोम इज नोन एज टीलोमियर ठीक है। टीलोमियर कैसे होते हैं, दे आर पोलर विच प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट ठीक है। दे आर पोलर एंड विच प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स ठीक है। नाउ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, इट इज एन इलोंगेटेड सेगमेंट दैट इज समटाइम प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम एट द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ठीक है, कभी कभी होते हैं। एंड जो क्रोमोजोम जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है, यानी द क्रोमोजोम विथ सैटेलाइट आर नोन एज सैट क्रोमोजोम, SAT, सैट क्रोमोजोम। इज इट क्लियर? अब कोई डाउट हो तो पूछो, एनी डाउट? कोई बात नहीं, अगर डायग्राम नहीं भी क्लियर होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है सानिया, अब तो मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी है, सैटेलाइट आर्म, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टीलोमियर, सिस्टर क्रोमैटिड। अभी भी कोई डाउट है जल्दी से बताओ। सुमैया अच्छे से क्लियर हुआ ना, क्या क्या चीजें होती हैं ठीक है। क्रोमैटिड के बारे में देखो है भी, ईच मेटाफेज क्रोमोसोम अपीयर्स टू बी लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिड ठीक है। डिवाइड भी होते हैं, दे विल बी सेपरेटेड इन एनाफेस ठीक है। तो आपको ये चीजें मैं बता चुकी हूँ। सेंट्रोमियर अभी बताया मैंने, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है आपने अभी डायग्राम में देखा कि सेंट्रोमियर इज द लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम हैज अ कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर विच डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू सेक्शन, दैट विल बी योर शॉर्ट आर्म एंड दैट विल बी योर लॉन्ग आर्म। टीलोमियर दैट इज अ टर्मिनल एंड है ना, टू एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर नोन एज टीलोमियर, दे प्ले क्रिटिकल रोल्स इन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल लेंथ ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि टीलोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अभी हमने डायग्राम में बताया कि क्या चीज़ें होती हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की। सैटेलाइट को भी हमने क्लियर किया कि जो क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट है वो क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम कहलाएगा ठीक है, SAT, सैट ठीक है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। साइज ऑफ क्रोमोसोम अगेन बहुत बार बताया है, फिर से बता रहे हैं कि द साइज ऑफ द क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्टेजेस टू स्टेजेस ठीक है। क्रोमोसोम आर द लॉन्गेस्ट थिनेस्ट, अब देखो यहाँ लिखा है उन्होंने, क्योंकि हमने भी सेल डिवीजन पूरा पढ़ रखा है, इंटरफेस में वो कुछ और होते हैं ठीक है, स्मॉलेस्ट और थिकेस्ट होते हैं कहीं और, नॉट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन ईच क्रोमोसोम गिव्स द क्रोमोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक्स टिक्स शेप
तो सेल डिवीजन में भी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन में भी क्रोमोसोम जो होते हैं डैट विल बी डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग होते हैं। पहले वो थिन होते हैं, फिर उसके बाद से कंडेंस्ड होते हैं जब वो माइटोसिस में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उनका शेप बदलता रहता है। सो क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रोमियर पोजिशन, यानी अब सेंट्रोमियर की पोजिशन के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाइड है, यानी एट वन एंड एक्रोसेंट्रिक, क्लोजर टू वन एंड सब मेटासेंट्रिक, मिडल में अगर है तो मेटासेंट्रिक, एंड ईच क्रोमोसोम हैज टू आर्म्स दैट विल बी योर पी एंड क्यू, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। पेटाइट जिसका मतलब होता है स्मॉल, पी का मतलब ही होता है स्मॉल, इसीलिए शॉर्ट आर्म का नाम पी रखा गया है, एंड क्यू आर्म नेम्ड क्यू सिंपली बिकॉज इट फॉलोज पी इन द अल्फाबेट, ठीक है। पी से पी क्यू आर एस टी पढ़ते हो ना ए बी सी डी में, तो पी क्या हो गया तुम्हारा, छोटा हो गया, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, तो नेचुरली क्यू पी से बड़ा होगा, इसीलिए उसका नाम क्यू रखा गया है, ठीक है। तो आपसे शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म का अगर पूछ लिया जाए किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी शॉर्ट आर्म होती है दैट विल बी पी, जो लॉन्ग आर्म होती है दैट विल बी क्यू, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर हम इनकी पोजिशन डिफाइन करते हैं। अब हम जान लेते हैं ये जो एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, ये कैसे दिखते हैं, किस बिहाफ में इनकी पोजिशन रखी गई है, ठीक है। पहले करते हैं मेटासेंट्रिक। अब हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक की, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है मेटासेंट्रिक का, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है डैट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, मेटा मेटा का मतलब भी हो गया सेंटर, ठीक है, दैट इज सेंट्रोमियर इज मीडियन, ठीक है। सेंट्रोमियर एकदम मिडवे में है बिटवीन ईच एंड, एंड देयर बाई टू आर्म्स आर रफली इक्वल इन लेंथ, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम टेक वी शेप ड्यूरिंग एनाफेज, ये क्या करता है, जो मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोसोम होता है क्योंकि ये आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सेल डिवीजन के दौरान ये वी शेप में चेंज हो जाते हैं, ये अब दिखते हैं, ठीक है, एनाफेज में वी शेप में दिखते हैं। आपको पता है ना, इट विल स्प्लिट, सेंट्रोमियर उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट करने के बाद दोनों पोल की तरफ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मीतू, आप लेट हो गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो हेयर इट विल स्प्लिट, तो वी शेप हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द सेंट्रोमियर इज इन मीडियन, बीच में होगा, इज इट ओके। नाउ सब मेटासेंट्रिक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सब मेटासेंट्रिक, तो आपको पता है जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर होगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। सेंट्रोमियर इज सब मीडियन गिविंग वन लॉन्गर एंड वन शॉर्टर आर्म, एक तरफ छोटी और एक तरफ बड़ी आर्म होगी, ठीक है। छोटी का नाम आपको पता है पी और बड़ी का नाम पता है क्यू। सब मेटासेंट्रिक भी एनाफेस में आपको कैसा दिखेगा, इट मे बी ऑफ जे एंड एल शेप्ड, ठीक है। ये जे और एल शेप होता है, ये देखो ये बना हुआ है, ये आपका एल बना हुआ है, ठीक है, जे बना हुआ है, एल और जे शेप के होते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। हम लोग ये भूल जाते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में वी शेप्ड क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक, एल और जे शेप कौन सा है, सब मेटासेंट्रिक, तो इसको याद करो, इसको हल्के में मत लेना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। नाउ एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक आपको पता है, एक्रोसेंट्रिक क्या हो गया, जो सेंट्रोमियर है दैट इज लोकेटेड क्लोज टू वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। सेंट्रोमियर इज मोर टर्मिनली प्लेस्ड एंड फॉर्म्स वेरी अनईक्वल आर्म लेंथ, ठीक है, बहुत ही अनईक्वल होता है, क्योंकि इसकी जो पी आर्म है, जो शॉर्ट आर्म है, दैट इज शॉर्ट, दैट इज हार्ड टू ऑब्जर्व, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट, बट ऑब्जर्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एक्रोसेंट्रिक की, तो ये भी एनाफेस में दिखेगा, रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर एवरी वन, जल्दी से बता दो, क्लियर है आप लोगों को, ओके। फिर बात करते हैं टीलोसेंट्रिक, तो हमें पता है सेंट्रोमियर लोकेटेड एट वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम है, यानी टर्मिनल पार्ट पे होंगे, लाइज एट वन एंड। टीलोसेंट्रिक भी रॉड शेप्ड होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है, आप दोनों डायग्राम में अंतर देख सकते हो, क्योंकि ये एक्रोसेंट्रिक है तो इसमें शॉर्ट आर्म छोटी सी दिखती है, बट ये टीलोसेंट्रिक में नहीं होगी, ठीक है। तो ये चार तुम्हारे इंपॉर्टेंट थे, मेटासेंट्रिक जो आपको पता है, मेटा मतलब सेंटर, आपका सेंट्रोमियर सेंटर पे है, दोनों साइड आर्म्स आपकी इक्वल हैं, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर होगा सेंट्रोमियर, एक छोटी आर्म एक बड़ी आर्म, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक,
छोटी आम होगी, लेकिन कहते हैं ना ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा, बट यस इट इज देयर, ठीक है, एंड इट विल बी रॉट लाइक शेप. ये कौन आया है? हेलो बेटा, बट आप कौन हो? आपको मैंने पहचाना नहीं. इंजीनियर लिखा है क्या? ये मैं नहीं पहचान पाई. कौन हो आप, एक बार बता दो बेटा. स्माइल क्या? मैं नहीं समझ पा रही हूँ कौन है आप, अपना नाम बताइए. अर्शिया. अच्छा अर्शिया, तुम आज सुबह की क्लास करने नहीं आई, क्या हुआ? एवरीथिंग इज फाइन? सब ठीक है बेटा? आपने मॉर्निंग की क्लास ऑफलाइन देखी? क्योंकि मैंने डीएनए पढ़ाया था. अर्शिया बायो की स्टूडेंट है, उस शायद वो अपने पापा की आईडी से आई है. क्या हुआ अर्शिया, इज एवरीथिंग फाइन? ऑफलाइन वीडियो देख लेना. रेशमा आज नहीं है, रेशमा सुबह वाली क्लास में थी. अच्छा कर ली, क्या हुआ? व्हाट ही सेड, क्या बोले? नमस्ते आरुड, आ गए तुम फाइनली ढूंढते हुए, लेकिन आज तुम बहुत लेट आए हो, 3 बजे की क्लास थी. ठीक है अर्शिया, तो लेके खत्म करो. आरुट नाउ हेयर यू कैन टॉक विद गीता. गीता इज देयर? लियो आज गीता नहीं है, सानिया है. लेकिन सानिया है, सुमैया है, सब लोग हैं यहाँ, आप बात कर सकते हो. बट गीता नहीं है. गीता गीता आई थी सानिया, बट मॉर्निंग वाली क्लास में आई थी. हेलो हेलो यस आरुड एंड दादा साहेब जी, बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पे 12 बजे और 3 बजे आपकी बायो की क्लास होती है डेली. सानिया विल नॉट टॉक टू मी. जयेश वेलकम हेयर बेटा, वेलकम वेलकम एवरीवन. देख के अच्छा लगा आरुड, दादा साहेब, जयेश, तुम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा. वेलकम हेयर बच्चों. यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से बताई दे रही हूँ बच्चों. 12 बजे बायो की क्लास होती है और 3 बजे क्लास होती है. तो जयेश जयेश आरुद और दादा साहेब, आप क्या करना, आप सारी वीडियोस यहाँ पे, कम से कम ना जाने 50 वीडियो मेरी पड़ी होंगी कम से कम, आप सब देखना. यहाँ पे ब्लड भी मैंने पढ़ाया है, टिश्यू भी पढ़ाया है, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? यस जयेश. और रात में 9:30 पे, रात में 9:30 पे हम फिर से मिलेंगे आपको अन अकेडमी पे, ठीक है? 9:30 पे मिलेंगे अन अकेडमी में, और 12 और 3 बजे मिलेंगे यहाँ पे इस चैनल पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो काम ये करो, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो. किया है चैनल को सब्सक्राइब? किया है आप लोगों ने? बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिले. हाँ अर्शिया, तो तुम क्या कर रही हो फिर? अब तुम्हारा बोल दिया है. बिल्कुल मीतू, बिल्कुल अर्शिया, तो तुम पापा ने बोल दिया है, तो अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब किस चीज का वेट हो रहा है? आज सब लोग लेट हो गए. आप लोग अब तब आयो जब मैं ये पूरा पढ़ा चुकी हूं. आरुट वो तुमसे वैसे भी बात करती है बेटा. हाँ सुमैया ऑलमोस्ट. अब तुम लोगों को ये करना है आर्शिया, आर्शिया तुम इसके बारे में सोच लो, ठीक है? अब अगर बोल दिया है तो इसको लेके खत्म करो. हाँ और यस प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवरीवन.
सुमैया टाइम देखो, हमारा टाइम तो हो चुका है, हमारा टाइम तो हो चुका है। आरुण इतनी मार पड़ेगी ना फिर मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। इफ यू विल टॉक हेयर यू विल डू चैटिंग हेयर, तो सॉरी टू से बट फिर ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। ठीक है अर्शिया, तुम अब इसके बारे में सोच लो, शाम तक देखो अगर कर सको तो कर दो, ठीक है, और रात में 9:30 वाली क्लास में आना। अगर तुम कर दोगी पेमेंट तो आज से तुम्हारी प्लस क्लासेस खुल जाएंगी, तो रात में तुम्हारे कमेंट्स भी सबको दिखेंगे। ठीक है, गीता आई नहीं है अभी आज, गीता इसलिए नहीं आई है क्योंकि गीता ने सुबह ही बता दिया था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई है, बट वो रात वाली क्लास में आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सुमैया। आरुट क्या पूछना चाहते हो अब बताओ, जल्दी से बताओ क्योंकि अब ये क्लास खत्म हो रही है ना, 3 से 3 to 3:40 ये क्लास चलती है, तो जल्दी से बताओ क्या पूछना है तुम्हें। आरुट डोंट से सॉरी, अब तुम्हें यहाँ जो पूछना है यहाँ बच्चे तुम्हें रिप्लाई कर सकते हैं, तो तुम पूछ सकते हो, भैया अपने डाउट क्लियर कर लो। जयेश तुम कब लोगे? देखो बच्चों एक चीज दिखाएं, एक मिनट रुकना, ये तुम्हारा पैकेज डिटेल है जयेश, तुम ये देख सकते हो, दिस इज योर पैकेज डिटेल। ठीक है, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month। जयेश बट तुम लोगे कब ये तो बताओ, मुझे थोड़ा आइडिया दो। ठीक है फाइन, तो यू कैन यूज दिस कोड और यू कैन यूज दैट कोड ऑल्सो, SPS कोड कोई भी यूज कर सकते हो। फिर तुम्हारा लिमिटेड बैच रहेगा, एक सब्सक्रिप्शन रहेगा, बट तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा जयेश। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस है, अभी हमारे 3 बच्चों ने ले लिया है। ठीक है, मेरा रेफरल कोड यूज करके 3 बच्चे ले चुके हैं। अब ये अर्शिया आज ले लेगी पैकेज, अर्शिया तुम आज ले रही हो ना? हाँ डैट वुड बी बेटर जयेश, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जयेश अगर कोई भी डाउट हो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो, तो तुम यहाँ पे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड आरुट अगर तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेंशन है, तो मैं तुमको बता दूं उसमें भी पूरी यही चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी प्लस क्लासेस हैं, बहुत ही अच्छी प्लस क्लासेस हैं, डेली आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, जिसमें आपको चैंपियन लीग के तौर पे 3 और 6 मंथ का फ्री पैकेज भी दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द आप इस पे कोशिश करिए लेने की। हाँ बेटा बिल्कुल, और क्या। ठीक है, यस ऋतिक, बाय बाय, टेक केयर। सो इज इट क्लियर? अब सब क्लियर है, रात में 9:30 की क्लास पे मिलेंगे। ठीक है, 9:30 पे आप सब आइएगा और ये वाली क्लास को दोबारा से देख लेना, जयेश दादा साहेब अरुण इसको देख लेना, क्योंकि बच्चों इसमें मैंने क्रोमोजोम पढ़ाया है आज। ठीक है, और मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने DNA पढ़ाया है। ठीक है, तो अपना टाइम मत खराब करना, अभी शाम का टाइम है, उसको एक बार देख लेना। जयेश तुमको भी आइडिया लगेगा बेटा, जयेश है बहुत 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 अच्छे टीचर है, डोंट वरी, मैथ्स के भी एंड फिजिक्स के भी। इस चैनल पे भी देखो क्लासेस होती हैं, देखना फिजिक्स और मैथ्स की, बहुत अच्छी होती हैं। मैथ्स के तो अभी एक न्यू टीचर आए हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हाँ जयेश इसी चैनल पे होती है, देखो शेड्यूल्ड होंगी लाइव क्लासेस, सब्सक्राइब कर लो चैनल। और सर मैथ्स की क्लास लेते हैं, मेरे ख्याल से एक सुबह हो चुकी है, कभी होगी, और उसकी फिजिक्स की भी क्लासेस चलती हैं बहुत अच्छी, फिजिक्स वाले सर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहो, आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, यहाँ पे मंडे टू संडे डेली क्लासेस चलती हैं। ठीक है बेटा, हाँ, जयेश हाँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आशिया आप हो कि चले गए? तो जयेश जब लेना ही है लेके खत्म करो, क्रिसमस से पहले ले लो ताकि इसके चार्जेस ना बढ़े। ठीक है, कोड यूज करना मत भूलना, डेट आई विल टेल जयेश, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, परेशान मत होना, मैं बता दूंगी। ठीक है,
अभी एक सेशन लेने वाली हूँ कल या परसों में, यही पे इसी चैनल पे, जिस पे आपको यही सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी कि MHT CET कैसे आपको क्रैक करना है, कितना आप कट ऑफ, कितना पिछले कॉलेजेस का गया है और कितना जा सकता है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो परेशान मत होना। हाँ अर्शिया, अर्शिया तुम आज लेके इसको ख़त्म करो, ठीक है? जयेश पता चल जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करे रखो। टाइम 12 और 3 बजे मैं आती ही हूँ, और जैसा कुछ भी, पहली बात तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं, आपको बहुत आराम से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जब भी मेरी क्लास होगी, ठीक है? तो ये कर सकते हो जल्द से जल्द। जयेश बिल्कुल बताएंगे, आर्शिया बिल्कुल बता देंगे, आज रात में ही बता देंगे, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लो। कौन सा रिफर करना है? SPS कर लो, एस्कॉर SPS कोई भी कर सकते हो, रेफर कोड कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे ये करो, ये भी कोड काम कर रहा है, ये जो कोड है ये अनअकैडमी का कोड है, SPS स्कॉर, आप सबको पता है, ठीक है? और ये भी वही कोड है, इस पे भी 10% ऑफ मिलेगा, इस पे भी 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है? तुम कोई सा भी कोड यूज कर सकते हो। अर्शिया अब तुम ज़्यादा लेट ना करो, क्योंकि तुम्हें सारी PDF इकट्ठी करनी है, ठीक है? सारे PDF को तुम्हें पढ़ना भी है, जितना तुम इधर लेट करती जाओगी तुम्हारा डेट बढ़ता जाएगा, ठीक है? और क्योंकि चैंपियन लीग भी है परसों शायद है, तो उस पे भी तुम पार्टिसिपेट करो, जल्द से जल्द प्लस क्लासेस लो, ताकि पार्टिसिपेट करने पे तुम्हें ऑफ मिले, ताकि तुम्हारा जो जो भी तुम अभी करोगी और अगला तुम्हारा 3 और 6 मंथ का ऑफ मिल जाएगा, तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, तो थिंक अबाउट इट, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, अरे यार्शिया क्यों नहीं, ये कोई पूछने वाली बात है? 110%, 110% कोई डाउट नहीं है इस चीज में, ठीक है? फाइन जयेश, जयेश और अरसी अब बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? ऑलरेडी 3 लोग ले चुके हैं, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? गीता को तो 1 महीना होने वाला है सब्सक्रिप्शन लिए हुए, एंड शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो चैंपियन लीग में भी पार्टिसिपेट कर रही है। एंड अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों कि आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, चैंपियन लीग में आपको फ्री पैकेज भी दे रहा है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है? नोट्स भी आपको सारे मिलते हैं, सारे नोट्स मिलते हैं, लेकिन PDF के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है आर्शिया? सो आई विल वेट फॉर यू टुडे, आज करूं वेट? हाँ टुडे एट 9:30 PM रात में मिलते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। एंड अर्शिया तुम कंफर्म कर लो जल्द से जल्द, एंड यस कोड लगाना ना भूलना, वरना तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, अगर कोड इन दोनों में से कोई नहीं लगाया है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो इसीलिए कोड लगाना मत भूलना, SPS स्कोर या S स्कोर, कोई भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों एक ही हैं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, इज इट क्लियर? इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जयेश आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अर्शिया आप भी स्क्रीनशॉट ले सकती हो अगर आपको चाहिए तो। साढ़े नौ में ऋतिक हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे आज, मिक्स्ड हैं बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक महीने भर से पढ़ रहे हैं, सब मिक्स करके सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है अर्शिया? स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे तुम पैकेज लोगी तुम्हारा, तुम अपने अपने एजुकेटर को कांटेक्ट कर सकती हो, ठीक है? तो टेंशन की कोई बात नहीं है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं रात में 9:30 बजे, और अर्शिया आई होप सो आप रात में 9:30 पे मुझे ये गुड न्यूज़ देंगी कि यस आपने ले लिया है प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? आई विल वेट फॉर यू एंड हैव फेथ, ठीक है? चलो बाय बाय, चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।